यार कचरी खाएंगे, ये हम तो कचरी खाएंगे, कचरी खाएंगे। सब फेंकना है, देखने में चाय कितनी में क्या मिला। ओ वाओ गाइस, आपने भी दिवाली सफाई में ऐसे किया है क्या कभी? ये मिली है किस किस को अपने घर में दिवाली सफाई में, वो भी फिर आधे से ज्यादा मम्मी की ही है और भाई की। मुझे खुद नहीं समझ में आता, साफ करनी है, सब कुछ फैला हुआ है सब कुछ। और ये सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो ये ब्लॉग होने वाला है बहुत भारी, पड़ेगा हमको ये ब्लॉग, अब भारी पड़ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि मम्मी ने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, गिफ्ट नहीं लिया था हमने अपनी मम्मा को। वैसे मम्मी ने क्या बोला था कि मेरे साथ ना दिवाली की सफाई करा लेना, वही मेरे लिए गिफ्ट होगा। इतना हैवी गिफ्ट मांग लिया मम्मी ने, आप हमसे हमारी जान मांग लेते बस ये बतवाते यार दिवाली की सफाई, दिवाली की सफाई जहाँ से स्टार्ट करो खत्म ही नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ पे खत्म करें, जितना सफाई करने की कोशिश करते हैं उतना और फैल जाता है। आपको दिखाते हैं गाइस, आप बने रहिए हमारे दिवाली सफाई ब्लॉग में मम्मी के गिफ्ट में। स्टार्ट करते हैं दिवाली की सफाई। हाँ स्टार्ट करते हैं दिवाली की सफाई, और देखते रहिए हमारी दिवाली की सफाई। देखते रहिए अपने घर की सफाई मत कीजिएगा, हमारी दिवाली की सफाई देखिएगा, जरूर देखा जाए। एक मिनट, क्या तुम्हें दिवाली की सफाई में भी सेम कपड़े पहने? मैंने भी पहने, मैं तो भाई के दो दिन से सेम कपड़े, भाई नहीं है नहीं मैंने भी नहीं मिल रहा। ओ बता दियो, ये पूरी किचन साफ करनी है, सब कुछ फैला हुआ है सब कुछ। और ये देखिए बाहर हाय क्या होगा हमारे घर का, इतना कबाड़ा। और ये सफाई में पूरा घर हमारा फैला हुआ है, देखिए गाइस पूरा सामान ऐसे इधर उधर, समझ नहीं आ रहा कहाँ से दिवाली की सफाई स्टार्ट करनी है गाइस। कितना सामान ऐसे रखा हुआ वेस्टेज में है जो अब दिवाली की सफाई में साफ होगा। ये सफाई कराने के लिए हमारे भाई आ चुके हैं। हेलो भैया, हेलो हेलो भैया, ऑटोग्राफ चाहिए आपको? ऑटोग्राफ चाहिए हमारा? अरे ऐसे नहीं मिलता ऑटोग्राफ, सेलिब्रिटी तौर पे सफाई करने, दिवाली की सफाई करने हमारे घर पे आए सेलिब्रिटी। वाह बहुत अच्छी टाइटल है। तो बताओ कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो बहुत सारा सामान फैला हुआ है, देखो इधर आके। दिवाली पे दिवाली की सफाई चलती है, डांस तो करेंगे नहीं है ना। क्या हुआ, ये गिर जाएगी। और ये पापा की बुक निकली है, वो भी 11th क्लास की है। पापा कौन सी क्लास की बुक है? हाँ जा रही हूँ। एम पापा ने क्या किया है, LLB किया है। सो गाइस दिवाली सफाई शुरू हो चुकी है, हमारे चारों तरफ देखिए कितना कबाड़ा फैला हुआ है देखा। और उसको वहां पे हमने टंगाया क्योंकि सूखी सी है ना, इसलिए किसी का है। और देखो ये तो नहावा के यहाँ से भागने की तैयारी हो गई है क्योंकि इसको डस्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये हमने थोड़ा बहुत तो सेट कर दिया, कपड़े मेरे पास कपड़े है ही नहीं तो रहेंगे कहाँ से। देखो गाइस उसकी पागलपंती शुरू हो गई, दिखाती हूँ आपको, देखना ये क्या हो रहा है, ऐसे झड़ते है पागल हो गई है। गाइस मैं बता रही हूँ उसको, एकदम मेंटली डिस्टर्ब है लड़की, बिल्कुल हिल चुकी है, इस दूरी रहे सब लोग, मतलब हाँ मैं दूर हूँ तुझसे, ठीक है ना। फोन लेके नहीं बैठी हूँ, सफाई कराई है पहले मैंने भी, मैं दिखा सकती हूँ अपनी वीडियोस भी, मेरी सफाई एक साथ नहाने और नहाने। ओ मैं रोज नहाती हूँ ठीक है ना, दिख भी रही होगी कितनी सुंदर लगती हूँ मैं। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अमीना देखो मेरी हेल्प की जरूरत तो पड़ी ही पड़ी इसको, ये एक झोला पकड़ाना हेल्प होती है, एक झोला नहीं है वो सब तेरी वजह से मुझे भी सफाई करनी पड़ी है तेरे साथ, तुम नहीं कर लो बस तुम बहुत है। मैं तो हमेशा इतनी सुंदर रहती हूँ गाइस, देखो हमेशा सुंदर ही लगती हूँ। पैरालवली तो हमारे घर में मिलेगी ही नहीं, पैरालवली हमारे घर में है ही नहीं, पिट में मिलेगा, पिट में मैं बिलीव मैं मम्मी से बोल दूंगी यार। ये तेल लगाओ, ये तेल लगाऊं मैं, देखो मैं कितना काम करा रही हूं उसे, फिर भी बोल रही हूं काम ही कर रही हूं मैं, तो होना चाहिए तुमको ये।
मैं तेरी के पागल छोड़ूंगी बस करा रही हूं मजबूरी मेरी वरना मैं वरना मम्मी को घर से बाहर निकाल देंगे तेरी को वरना मम्मी को घर से बाहर रह देंगे कमाई के साथ किसी काम के लिए ना मैं भी कहता अभी लगवा रहा हूं ओए यार से ओए इधर आइए एक बार उधर ना जाओ मैं ऊपर इसमें तो मैं गंदी लगूंगी मैं तो फेस वॉश में डालूंगी हां कांड पे किसी से घर पे ऐसे हर झुमका व्हाट झुमका देखा गाइस इसके पागलपन दी वो मैंने अचानक से रिकॉर्ड कर ली है और अब बताइए क्या ये दिखा एक मिनट दोबारा ये क्या था पापा को दिखाऊंगी मैं वीडियो ये पता है मैंने सफाई की है आपको लग रहा होगा कि मैं हेयर स्टाइल बना के अच्छे से ये सफाई कैसे करा रही हूँ है ना लेकिन मैं सफाई हमने लोग करवा दे नहीं नहीं वो क्या है ना एक्चुअली मैं वीडियो शूट कर रही थी मतलब अरे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं भाई हम तो सफाई कर्मचारी हैं हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल ऐसा नहीं है मतलब रिया जो है ना हेयर स्टाइल बना के देख रही थी मेरा तो मैंने खानदार देखो कौन सा तेली वाला हेयर स्टाइल बन रहा है इसलिए ऐसे हो रहे मेरे बाल डोंट जज की मैंने सफाई नहीं किया है सफाई करो ये बाल तो तुम्हारे दिवाली पे भी दिख जाएंगे किसी को देखा आपने गाइस मेरे साथ कैसे रिएक्ट किया जाता है जिसकी मैं उसकी छोटी बहन हूँ पर सच में मुझे सब उसकी छोटी बहन ही बोलते हैं और मैं हूँ भी वैसे बड़ी बोली तो दिवाली सफाई बोली कैसे होगी वो दिवाली की सफाई मैं कैमरा हैंडल कर रही हूँ पता है हम करेंगे नहीं मैं कर लूंगी पता है गाइस कैमरा हैंडल करने में ना सफाई नहीं करनी पड़ती आधे से ज्यादा रहने दे मैं कर लूंगी मैं कर लूंगी तोड़ दियो ओ 10 रुपए का नुकसान कर देगा इससे आगे हमें 10 रुपए का नुकसान सिर्फ हमारी ना एक ही रैक मतलब सबसे ऊपर वाली रैक साफ हुई है और बाकी ये दिखाना यार मैंने बर्थडे गिफ्ट भी नहीं देखी अभी तक अपने सारे दिवाली सफाई कर रहे हैं हम पापा देखो गाइस दिवाली सफाई एक मिनट में कर देगी एक लड़की ओ अब क्या हुआ दिखा रहा हूँ रैक दिखाओ उस रैक में इसके कपड़े हैं लड़की के तेरे ही है मैंने अभी तक ये अनबॉक्स भी नहीं किया गाइस इतनी बिजी हूँ मैं भाई मुझे कैमरा हैंडल करने में बहुत अच्छा लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है अच्छा हाँ यार कुछ दिखाएंगे ये हम तो कुछ दिखाएंगे यार इसको बेक के भी तो कुछ दिखा सकते हैं ना पापा क्या करेंगे वैसे लग भी रही है तू नौकराई जैसे घर भाई करना और सुन दो सुन मेरी बात सुन हमको इतना सारा ये सामान रखने के लिए एक अलग से जगह लेनी चाहिए ना क्या बोला तूने तेरे पास किडनी नहीं है क्या मेरे पास 8 किडनी है बताओ कहाँ रुक जा इसके पास 8 किडनी है कहाँ कहाँ दो यहाँ पे ये सुन 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 घुटने वाली खराब है ओ तू तेरे दिमाग पे घुटने में है ना इसलिए वो घुटने वाली खराब हो गई होंगी गाइस अभी इतना सारा सामान ही फालतू वेस्टेज है जो हमें फेंकना है सब कुछ ये सब फेंकना है देखने बेचारे कितनी में क्या मिला ओ वाओ गाइस आपने भी दिवाली सफाई में ऐसे किया है क्या कभी ये मिली है किस किस को अपने घर में दिवाली सफाई में वो भी फिर आधे से ज्यादा टाइम वेस्ट इसी में हो गया वो पैसे बच जाएंगे हमारे सफाई करवाओ वाह यहाँ पे अगर कोई कू इधर आओ सफाई करके आओ जो भी बच्चे यहाँ पे आएगा ना सफाई करवाएगा चलो चलो दिवाली पे सजना अब तो सफाई कराओ कू सफाई किट्टू क्या कर रही हो जाले झाड़ रही हो
क्या कर रही है किट्टू? क्यों क्यों सफाई में गंदी हो गई, मेकअप नहीं कर रखा इसलिए। वाली कबर्ड भी मम्मी की ही है और भाई की। मम्मी ऐसे क्यों रखती है कपड़े? मुझे खुद नहीं समझ में आता मम्मी ऐसे क्यों रखती है। तो ये भी सफाई हो चुकी है इसकी भी। मम्मी के पास कितने कपड़े हैं? लगता है मुझे झाड़ू उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इन दोनों के भरोसे रहे तो फिर तो दिवाली की सफाई हो गई। अरे समझ नहीं आ रहा क्या से करूं, ये दाने क्या लग रहे हैं फर्श पे। अरे रूम में चल रहा है पेंट का काम, अभी थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा नहीं हुआ है। पता नहीं दिवाली की सफाई क्यों खत्म नहीं होती गाइस। इतना सारा कबाड़ा बिक चुके हैं अपने घर से, हम साफ सफाई हो चुके खत्म। अंकल कितना कबाड़ा खरीद लिया आपने आज? और अभी इतना गंदा हो रहा है। तो गाइस कुछ ऐसा लग रहा है हमारा रूम पेंट होने के बाद, और बहुत ही मुश्किल लगी, मतलब बहुत ही मुश्किल हुई है करने में सब कुछ। अभी सेट नहीं हुआ है, अभी सेट करेंगे। और ये हमारी कुछ प्यारी सी बर्ड्स हैं। ओ इधर है, हेलो हेलो क्यूटीज। इतनी मेहनत करने के बाद कुछ मिला है कि हाँ मैं खा सकती हूँ उसको। ओ माय गॉड, ये लेके आया मेरे भाई, क्योंकि आज घर की बहुत सफाई की है। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड इतना सारा मैं अकेले खा पाऊंगी? वो मेरी है, ये तो भी खैर मेरी है ही, ये भी मेरी है, हैं और ये भी मेरे हैं। जैम जिम जैम मेरे फेवरेट बिस्किट है, ये मेरे फेवरेट बिस्किट है। अब जाके थोड़ा रिलीफ मिला है, वरना हालत देखिए गाइस मेरी बिल्कुल ऐसे कि काम वाली बाई भी फेल कर दी है अपनी हालतों में। और अब जाके हमारा घर थोड़ा सेट हुआ है अभी, और भी थोड़ा बाकी है। अब आपको होम टूर में हम दिखाएंगे सारी मतलब अपने घर की, और ये कौन सा घर है वो कौन सा घर। अकेले के लिए बना रही हूं, अकेले के लिए बना रही यार, बता सच में मेरे सिर में दर्द हो गया। कबाड़ा भी दिया हमने सारा। हां ओ ओ ये क्या है, पागल हो गए ये मेरे सारे। नम नम वो हाथ मत लगा, तो टच भी नहीं कर सकती, पता हालत कैसी हो गई इतनी खराब। जिम जाम खाऊंगी मेरे मैचिंग मैचिंग का जिम जाम। चलो इस ब्लॉग को करते हैं आइसक्रीम। इस ब्लॉग को हम करते हैं, भूख लग रही थी, किसका खाओगी? पागल है क्या? देख सकते हो हमारी बिल्कुल फटे हुए कपड़े पहन रखे, मतलब इसको देखो ये तो नहा भी लिए, मैं तो नहाई तक नहीं हूँ, मैं भी नहीं नहाई हूँ, ये तो नहा वहा से आ गई। और इसने ना पूरे ब्लॉग में इसने 4-5 बार तो कपड़े बदल लिए, थप्पड़े जोर से। तुम 3 दिन से नहाई नहीं हो, हमारा पार्सल आ चुका जो मैं खाने के लिए मंगाया था। अच्छा क्या मंगाया था हमने? बर्गर मंगाए हैं। सफाई हो चुकी खत्म, मुझे मिलता है सफाई। हाँ, वो और मिलते हैं मतलब मिलते हैं अपने बर्गर के साथ। बर्गर के साथ बर्गर बोला है मैंने। अच्छा और कबाड़ी वाले को दिखाया हमने? तुम कबाड़ी वाली हो तो कबाड़ी वाली बहन मेरी। इस ब्लॉग को हम ये पैन करते हैं, वरना हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। दिवाली आती है चमक हमारे आई धूल। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं लड़ियों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में दिवाली की।